नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। आई होप कि आप सभी की दीपावली काफ़ी अच्छी रही होगी। दोस्तों, दीपावली चल रही थी और हम लोगों के घर में सब पूजा पाठ वगैरह सब होता है। बचपन से ये सारी चीज़ें मैं भी देखता हुआ आ रहा था और हम लोग रेगुलर बेसिस पर घर में पूजा, देवी आरती सब कुछ करते हैं, माँ अम्बे जी की आरती, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। और बचपन से मेरे मन में सवाल भी उठते थे और मैं ये भी देखता था कि लोग जो हमें बोला जाता था कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारे पास वेलबींग आएगी, मतलब हमारे घर में सुख समृद्धि ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सब कुछ मैं भी करता था और करने के बाद मुझको ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज अपने अंदर नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा। और क्या पता अभी भी मैं उसको उस चेंज जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, क्या पता मैं अभी भी उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चेंजेस हुए होंगे। लेकिन मैं डेली बेसिस पर सुबह और शाम चीज़ें जो भी मैंने सीखा था बचपन से लेकर, वो सारी चीज़ें मैं परफॉर्म करता था, चाहे फिर वो हनुमान चालीसा हो, चाहे नवरात्रों में माँ अम्बे जी की आरती करनी हो, या फिर शिव पंचाक्षर स्त्रोत या षडाक्षर स्त्रोत, सब कुछ। और शिव तांडव स्त्रोत्र भी मैंने याद किया हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पर करता था और मैं डेली बेसिस पर सुबह मंदिर भी जाने लगा था। लगातार मैं 1-1.5 साल तक मंदिर गया और शिवलिंग पे रोज़ जल चढ़ाता था सुबह और शाम। सो जब मैंने ये चीज़ें करी तो मुझे उस समय पर इतना पता चल रहा था कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, पहुँच नहीं रहा हूँ। और मेरे अंदर जो चीज़ें मैंने देखी कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगा था, मैं टेंस स्टेट में रहने लगा था। टेंस स्टेट में रहने लगा था तो सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे चीज़ों के। तो ऐसी चीज़ें हम लोग भी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के भक्त आपको दिखेंगे कि ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन आप देखोगे उनको काफ़ी कठिनाई या परेशानियों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहेंगे। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि सुबह शाम पूजा वगैरह सब कर रहे हैं लेकिन मंदिर भी जा रहे हैं। और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि मंदिर में जा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें, इन द सेंस कि मतलब अभी भी वो परेशान है। और मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक जिसको हम कहते हैं कि रियल आनंद, उसकी एक बूंद भी नहीं चखी है। क्योंकि जो व्यक्ति आनंद में रहेगा ना, वो फालतू की चीज़ें या फालतू की बातें कि उसके घर में वैसा हुआ, इसके घर में ऐसा हुआ, ये वो फलाना ढिमका, ऐसी बातें नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये क्लियरली मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ इस समय पर कि जो इंसान थोड़े आनंद में रहेगा उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अब उन चीज़ों की बात करेगा जो निरर्थक है, वो बात कर ही नहीं सकता है। सो मैंने बचपन से ये देखा कि जो चीज़ें हैं या तो वो किसी काम की नहीं है जो मैं कर रहा था, जो भी पूजा पाठ, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमको करना नहीं आता ढंग से, ये मुझे पता चल गया कि ये जो भी चीज़ें मैं कर रहा था वो मुझे ढंग से करनी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे अंदर चीज़ थी कि मुझे अच्छे से सीखना है। तो मेरे पास चीज़ें आई, मैंने क्रियाएं सीखी, सब कुछ सीखा। बट हर कोई व्यक्ति क्रिया करने को तैयार नहीं है, नहीं करवा रहे हम किसी से कोई क्रिया नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो वैदिक कल्चर है। यहाँ पर हम लोग जो श्लोक है, इन सब चीज़ों, मंत्र है, श्लोक है, इन पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। सो दोस्तों, हुआ ऐसा कि जब मेरे को जो भी चीज़ें मैं कर रहा था उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, तो वो सब चीज़ें मैंने करनी बंद कर दी थी। और जैसे मानो कि भगवान, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो गया था कि ओके ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट ऐसा भी कुछ नहीं था कि मुझे चाहिए। और क्योंकि जिन मंदिर में भी मैं जा रहा था, उस मंदिर में जाके मुझे ये फील हुआ कि इवन जो वहाँ पर पुजारी थे वो भी मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं दे पा रहे थे, इवन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि मंदिर क्यों आते हैं। सो उसके बाद से मेरा पूरा मन उठ गया वहाँ से। ये एक ड्रॉबैक है, जिस जगह पर आप बैठे हो आपको नहीं पता कि आप क्यों जा रहे हो, जो वहाँ पर बैठा है उसका काम ही यही है, वो भी नहीं बता पा रहे कि ऐसा क्यों है। सो ये कहीं ना कहीं पे एक गैप है, ये गैप हम लोगों को ही फील करना है कि आपके यहाँ जब एक स्पेस है वहाँ पर आप डेली प्रोसेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। सो ये गैप मुझे दिखा तो मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी और पूजा वगैरह करना ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। ये भक्ति वगैरह 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 ये कुछ भी, ये सब चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए साइड हो गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ, मैं सद्गुरु के साथ कनेक्शन में आया
और फिर सदगुरु ने लिंग भैरवी देवी के बारे में बताया, और शिव से भी मेरा काफ़ी जुड़ाव था, तो मैंने शिवांगा साधना भी करी है। लेकिन शिवांगा साधना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पर वो चीज़ें नहीं होती, शिवांगा साधना आप डेली बेसिस पर नहीं कर सकते हो। सो हम लोग कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं किसी के प्रति। तो दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं देवी से, भैरवी देवी से, कि भैरवी देवी से मैं कनेक्ट हो पाया। और डेली बेसिस पर जो हम मंत्रोच्चार अपने घरों में करते हैं, वैसे ही कुछ मंत्रोच्चार देवी के लिए सदगुरु ने डिज़ाइन किए, देवी की जो ग्रेस है उसको पाने के लिए डिज़ाइन किए हैं। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि हम जब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो बस हमने एक नाम ले लिया और हो गया, मतलब मुझको इस शरीर के अंदर कुछ आभास नहीं हो रहा है, कुछ भी आभास नहीं हो रहा है वो मंत्र उच्चारण करने के बाद। बस मुझे ऐसा लगता था कि हो गया, कोई बैठा होगा, उसने हमारी बात सुन ली। और फिर धीरे धीरे जब मैं आगे चल रहा था तो मुझे इतना भी सुनने में आया कि जब हम संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, इतना तक मुझे पता चल गया था। लेकिन जब से मैंने देवी स्तुति करना स्टार्ट किया, अच्छे से देवी स्तुति करना स्टार्ट किया, तो मैं देख सकता हूँ कि जिस दिन सुबह मैंने केवल देवी केवल अगर मैंने देवी स्तुति करी है तो देवी स्तुति का इफेक्ट मुझे दिन में देखने को मिलेगा। मेरे शरीर के अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, 100% आनंद की अनुभूति केवल और केवल देवी स्तुति करने से होने लगती है। ये चीज़ मैं पहले पहले मेरे को ये इस चीज़ पे भरोसा नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि मैं लोगों को देखता था जो भैरवी साधना करते हैं वो इस प्रकार से हाथ बंद करके, आंख और हाथ ऐसे फोल्ड करके, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं सोचता था यार ये पॉसिबल कैसे है और वो इस स्टेट में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी देवी के पास रोज़ बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। वो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे, क्या कैसे हो रहा है, ये क्या करना है इसके लिए। लेकिन जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मुझे कुछ प्रेजेंस देवी की फील होने लगी, और देवी से, देवी के प्रति पहले मेरा कोई ऐसा झुकाव नहीं था, बिल्कुल भी झुकाव नहीं था। भैरवी देवी के लिए तो सरेंडर करना मानो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक समय के बाद जब मैं रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर गया तो फिर आप कुछ नहीं करते हो, सामने से होगा। और आज की डेट में इवन मेरे पास अगर देवी की फ़ोटो भी है और उस फोटो के सामने मैं जब दिया जलाता हूँ, उसके बाद फूल चढ़ाता हूँ, भाई प्रेजेंस मिलती है, मीठी मीठी प्रेजेंस मिलती है, वो क्या बोलूँ आपको। और यही तो चीज़ आप ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एक आनंद, एक सुकून, यही तो आपको चाहिए, यही चाहिए। और फिर हम जब देवी स्तुति करते हैं ना, देवी स्तुति इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि आपकी पूरी बॉडी आनंदित हो सकती है, आप आनंद में रह सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बात आप अपने अंदर बिठा लेना कि केवल स्तुति करने से ही आप बहुत अच्छी स्टेट्स में जा सकते हो, बहुत अच्छी स्टेट्स में जा सकते हो, क्योंकि वो स्तुति जो आप तक आई है, स्तुति कहीं पर लिखी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो गाई जानी चाहिए ना, जिस तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, वो तरीका हमारे पास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आज से पहले गुरु आए हैं उनके द्वारा दी गई चीज़ें काम की नहीं है, बिल्कुल काम की थी, पर क्या हम उनको सही तरीके से कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हम जब एक घर के अंदर हमने टीवी में किसी पंडित जी को बोलते हुए सुन लिया कि ये मंत्र करो, आपको किसी ने बताया कि ये मंत्र किस तरीके से उच्चारण करना है, किस तरीके से इस मंत्र को आप पढ़ेंगे और किस तरीके से कितनी कितनी बार इनको करा जाना चाहिए? बहुत कम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो हम लोगों के पास जब देवी स्तुति करने का बिल्कुल सही तरीका मालूम है और आपको पता है कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कितनी बार एक दिन में ये चैंट किया जाना चाहिए, सब कुछ आपको पता होने के बाद, सब कुछ आपको पता है, तो फिर आप ये चीज़ करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे जो प्रोसेसेस हैं वो काम करेंगे, बट हमको सही तरीका करना, सही तरीके से करना नहीं आता, और जो चीज़ मेरे लिए काम करी है वो चीज़ मैं आप लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे लिए क्या, हज़ारों हज़ारों लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें काम करी है,
कई लोगों ने तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर करके बताया है कि किस तरीके से देवी उनके लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये वीडियोज़ जो भी देवी के लिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों, इतने वीडियोज़ मैं जो बना रहा हूँ ना, ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझना। ये जो चीज़ इतनी आसानी से हम तक आई है ना देवी, आप इसको समझो, वो पूरी ज़िंदगी आपकी बदल के रख सकती है, पूरी की पूरी ज़िंदगी आपकी बदल के रख सकती है। आपके पास सही तरीका होना चाहिए करने का, सही तरीका होना चाहिए। YouTube पे मैं एक राजश्री नंदी है, उनका तंत्र के ऊपर रणवीर अलाबादिया के साथ 5-6 एपिसोड है, सारे एपिसोड मैंने देख डाले, और उन्होंने यही बोला कि हमको सही तरीका आना चाहिए। तंत्र उपासना में देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, और वो जो चीज़ें वो बोल रहे थे वो रिलेट मैं कर सकता था। मैं भैरवी देवी के साथ जो चीज़ें वो बोल रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें मैं देवी के साथ रिलेट कर सकता हूँ। देवी प्रेजेंस देती है, देवी काफ़ी तरीके के देवी देवता हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनमें से एक देवता है भैरव, मैं देवी की बात कर रहा हूँ। जैसे राजश्री नंदी बता रहे थे कि माँ तारा बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत जल्दी। जब लिंग भैरी देवी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था उनके बारे में, तो सदगुरु ने कहा ना वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बहुत बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। और फिर जब मैं थोड़ा और मैंने रिसर्च करी, मेरे सामने ये चीज़ आई कि माँ तारा और लिंग भैरवी देवी का नेचर कुछ एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। तो ये तीव्र है, बहुत तीव्र है, तीव्रता से ही ये आपके पास आपको रिस्पॉन्ड करेगी बहुत जल्दी। आप एक खुद ही करके तो देखो चीज़ें बदलनी ही है। मैंने किसी को ऐसा बोलते हुए नहीं सुना जिसने देवी स्तुति करी उसके साथ चीज़ें हो रही है। मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, आपने कहा था, आपकी वीडियो देख के मैंने शुरू करा और चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। कई एक दीदी है मेरी, उनसे मेरी बातचीत आज से 1.5 साल पहले कनेक्ट हुआ था, उनसे उनके घर में थोड़ा कलेश रहता, पति और पत्नी, आज की डेट में वो साधना पदा करने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, साधना पद में जाने के लिए फॉर्म फिल कर रही है, और वो उनकी तबीयत खराब रहती है सब कुछ। उनको मैंने बस एक ही चीज़ बोली थी कि आप टोटल पूरे मन को देवी के पास, देवी की साधना करें, और सब कुछ सेटल होने लगा। और जिस तरीके से वो आज से 1.5 साल पहले मेरे उनसे बात हुई थी, अब जब बात होती तो वो टोटली चेंज हो चुकी है। किस सेंस में, सब कुछ उनके यहाँ बदल गए, उनकी जो बीमारियाँ थी, उनकी बीमारी थी वो भी ठीक होने लगी। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा हूँ ना, लोग खुश नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि उनके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे वो अपने आप को खुश रख सके। वो अपने माइंड के पैटर्न में फंसे हुए हैं, वो रोज़ जा रहे हैं, रोज 2 टाइम दिया जला रहे हैं, जो उनको आता वो कर रहे हैं, पर वो चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही है। आप इस चीज़ को समझना, लक्ष्य एक ही है, उस तक ही पहुंचना है, पर क्या आपके पास सही रास्ता है, सही टेक्निक है? आपके पास नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, मैं लिख के देख सकता हूँ, नहीं है। तभी तो हम लॉस्ट हैं, हमारा कल्चर क्यों लॉस्ट है, क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो धीरे धीरे तबाह कर दी गई ताकि आप अपने मेंटल पैटर्न में फंसे रहो। तो दोस्तों, अपने मेंटल पैटर्न से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होनी चाहिए, वो टेक्निक आपके पास अवेलेबल है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सही टेक्निक्स को फॉलो कीजिए,
सही टेक्निक को फॉलो कीजिए और हमारा माइंड ना हमें हमेशा फंसा के रखता है कि हम इस देवी की पूजा नहीं करेंगे, केवल उसी की पूजा करेंगे। आप एक चीज़ देखना कि आपके घर में ना बहुत सारे तरीके के भगवान होंगे, श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु, शिव, माँ, देवी, देवियों की भी अलग अलग फॉर्म रहेंगे। आपने जब उन देवी देवताओं की पूजा करी तब आपके माइंड में कुछ भी सवाल नहीं थे कि मैं इसकी पूजा क्यों करूँ, इसकी पूजा क्यों कर रहा हूँ, मैं केवल मैं तो उसको ही मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी की पूजा क्यों करूँ या राम की पूजा क्यों करूँ, आपके मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आया। लेकिन जब आप भैरवी देवी स्तुति करने की बात करोगे तो आपके मन में सवाल आएगा कि मैं इसकी पूजा क्यों करूँ। दोस्तों पूरी एनर्जी सेम है, 100% सेम है। ओके, थोड़े दिनों के बाद अभी मैं आपको एक चीज़ मेरे साथ घटी हुई थी वो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं ज़रूर वो चीज़ भी पब्लिक करूँगा, करनी ही पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग से वो डाउट हटे। भैरवी देवी ही सब कुछ है, सारी देवी भैरवी देवी ही है या भैरवी देवी ही सारी देवियाँ हैं, इस चीज़ को अपने मन में रख लो। मैं जब अभी थोड़े समय पहले धारी देवी गया था, लिटरली मुझे यही लगा कि यही देवी भैरवी है। आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आपके पास सही मेथड है, उस सही मेथड को फॉलो करो, उस सही मेथड को फॉलो करो। वो बोल रही है कि मेरे पास आओ, वो बोल रही है मुझे वो यहाँ हमें रास्ता दिखाने के लिए आई है, वो यहाँ पर हमें रास्ता दिखाने के लिए आई है। वो कह रही है कि करो स्तुति करो, सही रास्ता अपनाओ, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही काली है, जो नाम लेना है सब वही है, सब के सब वही है। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग वीडियो देख रहे हैं, भैया अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं, आपके पास जो आपके पुराने मेथड्स हैं, पुराने साधारण पद्धति हैं, अगर वो काम नहीं कर रही है, भैरवी देवी आपके लिए रास्ता बनेंगी। आप उन तक उनकी दी गई स्तुति करिए, आपके जीवन में अनेकों रास्ते खुलेंगे। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू। और ये बोलने के ना ही मुझे पैसे मिलते हैं, ये बोलने के ना ही मुझे मेरे को ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। सो आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वो चीज़ें मिस ना करें। देवी है यहाँ पर, है, आप उसको एक्सेस करो बस। आप एक ही तो देवी है, एक ही तो आदि शक्ति है, उसको किसी भी फॉर्म में पूज लो, बट आपके पास सही मेथड होना चाहिए। मैं बस आपके मन से डाउट हटा रहा हूँ कि देवी ही सब कुछ है, भैरवी देवी ही सब कुछ है। वो आप अगर कह रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं माँ दुर्गा की आरती करता हूँ, भैरवी देवी की कैसे करूँ, आप एक बार करके तो देखो, वो आपके मन के सारे डाउट हटा देंगे। मेरे मन में भी पहले डाउट था कि भैरवी देवी और धारी देवी अलग है। पहली बार जब मैं देवी धारी देवी को विजिट करने गया था ना, वो सरेंडर नहीं हो पाया था, इस बार धारी देवी ने पूरा सरेंडर करवा दिया मुझसे। मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं बचा, मैं वहाँ पर देवी दंडम कर रहा हूँ। अब मैं किसी भी मंदिर में जाके देवी दंडम कर सकता हूँ, हो गया, सब कुछ हो गया, वही है सब कुछ, कोई भी देवी किसी के अगेंस्ट नहीं है। आप किसी एक की पूजा करो अच्छे से, पर आपके पास पूजा करने की पद्धति होनी चाहिए। अगर आपके पास पद्धति नहीं है, भैरवी देवी स्तुति करना स्टार्ट करो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। दोस्तों प्लीज़ अगेन, आई डोंट नो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बार मैंने क्यों बोला, ज़रूरी है ये, बस हल्के मत ले। अनेकों मैसेजेस मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं होता। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज से 5 साल जब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये प्रैक्टिसेस करना, देवी तो आज से 2 साल पहले आई है, 5 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट करी थी, मेरे अगल बगल के जितने लोग थे उन सबको मैंने इस चीज़ में लाने की कोशिश करी। आज की डेट में मैं उनको देख रहा हूँ, वो उसी मेंटल पैटर्न में है फंसे हुए, आज से 5 साल पहले जो फंसे हुए थे, लेकिन मैं उनसे हट के काफ़ी दूर खड़ा हूँ और मेरे
मैं काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। तो आप भी आज से 2 साल या 3 साल के बाद ऐसा ना सोचो कि काश मैं भी कर लेता तो आज मैं एक अच्छी स्थिति में होता। तो प्लीज़ 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 आप कोई भी सामना नहीं करना चाहते हो, बस दिन में एक बार सुबह 3 देवी स्तुति कर लो, बस बस हो गया। बाकी काम वो अपने आप करेंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर देंगे, सब कुछ। बस आपको एक चीज़ करनी है, वहाँ बैठो, देवी स्तुति करो, आँख बंद करके करो। चाहे आपको दिया नहीं जलाना, आपको फ़ोटो के आगे कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप आँख बंद करो, बैठो, देवी स्तुति करो, बस बाकी वो सब कुछ कर देंगे। आई होप कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आप चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग के तौर पे डेवलप करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।